हेलो दोस्तों, अगर बात करें इस समय बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक तो वो है दिल बेचारा। दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है और उनके फैंस चाहते हैं कि यह फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो और इस फिल्म ने हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सभी के रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर बहुत सारे एक्टर्स ने अपना रिएक्शन दिया है और ऐसी वीडियो कोई भी नहीं बनाया रिएक्शन की, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले कीर्ति सोनन अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखती हैं, दिल बेचारा इसे देखने सच में बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक कैसे सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों भूमि पेंडेकर ने अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि दिल बेचारा का ट्रेलर देखा, यह हमें याद दिलाता है कि हमने एक काबिल कलाकार को बहुत जल्दी खो दिया, लेकिन इस खट्टे मीठे एहसास को देखते हुए चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। मुकेश चाबरा और उनकी टीम को मेरी शुभकामनाएँ। इसके बाद दोस्तों रितेश देशमुख ने अपना ट्विटर रिएक्शन शेयर किया और उन्होंने लिखा कि दिल बेचारा का ट्रेलर काफ़ी प्यारा है, संजना और सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, मैं अपने पॉपकॉर्न के साथ तैयार रहूंगा इस शानदार फिल्म को देखने के लिए, आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे प्रिय सुशांत। इसके अलावा दोस्तों मनोज वाजपेयी, मीरा चोपड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव जैसे बेहतरीन कलाकार ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है। वहीं दर्शकों से अपील की है कि इस फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। दोस्तों क्या आप इस फिल्म को देखेंगे नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।